फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास यूकेजी। इसमें आज हम देखेंगे ग्रेटर देन एंड लेस देन। ये किसका सिंबल है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? बड़ा। लेस देन मतलब छोटा। ओके, ये आपको क्या करने हैं, इनमें सिंबल लगाने हैं ग्रेटर एंड लेस का। ओके, ग्रेटर देन एंड लेस देन का। ये 6 है और ये 5 है। ओके, तो 6 क्या है 5 से? ग्रेटर है या लेस है? ग्रेटर है। और ग्रेटर का सिंबल कैसा होता है? ऐसे, जो चीज ज्यादा होती है उसकी तरफ हमेशा क्या होता है, मुंह खुला हुआ होता है। तो 6 ज्यादा है 5 से, तो इसका मुंह इस तरफ खुला होगा। नेक्स्ट देखो, 7 एंड 9। 7 एंड 9 में से 7 क्या है? ग्रेटर है या लेस है? लेस है। क्यों? क्योंकि 9 से क्या है, 7 कम है, छोटा है। तो इसका सिंबल कैसे लगेगा? ऐसे, ये होता है ग्रेटर का सिंबल, सॉरी लेस का। ये छोटी संख्या है 9 से, तो इसकी तरफ क्या होगा, इसकी नुक होगी। और जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। ऐसे देखते हैं, ये 5 है और ये 3 है। तो 5 क्या है? ग्रेटर है। तो सिंबल कैसे होगा? ऐसे। क्यों? क्योंकि 5 क्या है, 3 से ज्यादा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला होगा। नेक्स्ट देखो, 3 एंड 7। तो 3 क्या है? लेस है। लेस देन इज 3। 7 से क्या है, छोटा है, कम है। तो इसकी तरफ क्या होगा, नुक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 14 एंड 11। 14 क्या है 11 से? ज्यादा है, बड़ा है। 14 नंबर बड़ा है ना 11 से, तो क्या होगा, 14 की तरफ मुंह खुला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15 एंड 18। 15 क्या है? 18 से छोटा है, कम है। और 18 ज्यादा है, तो इसका सिंबल कैसे लगेगा? ये नौ किसकी तरफ होगी? 15 की तरफ। जो भी नंबर छोटा होता है उसकी तरफ क्या होती है, हमेशा नुक होती है, क्योंकि वो कम होता है। और जो भी नंबर बड़ा है उसकी तरफ हमेशा मुंह खुला होता है। ओके, थैंक यू। सॉरी, कल आपका इसका टेस्ट होगा, आपको अच्छे से नोटबुक में करके लर्न करना है, कल मैं आपका टेस्ट लूंगी। थैंक यू।